नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा 16 नवंबर को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 2 बजे से, यानी कि 2 PM से। तो आज की इस वीडियो में सेकंड सेमीफाइनल मैच के लिए ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ईडन गार्डन्स के ODI रिकॉर्ड्स क्या हैं, जबकि सेकंड सेमीफाइनल मैच में दोनों कप्तान को टॉस जीतकर क्या करना चाहिए। इसके अलावा ईडन गार्डन्स की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, जबकि सेकंड सेमीफाइनल मैच के लिए कोलकाता की वेदर रिपोर्ट क्या है। तो इस एक वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और वर्ल्ड कप 2023 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स, इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल और फाइनल मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप 2023 के सेकंड सेमीफाइनल मैच के लिए कोलकाता की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आई है इस मैच के लिए, वो काफी अच्छी है। अगर हम टेम्परेचर्स की बात कर लें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। दिन के टाइम पर क्लाउड कवर 64% फोरकास्ट किया गया है, यानी कि दिन के टाइम पर आपको थोड़ी बहुत क्लाउडी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, जबकि रात में भी क्लाउड कवर 96% फोरकास्ट किया गया है, यानी कि इवनिंग में भी आपको पार्टली क्लाउडी कंडीशंस ही देखने को मिलेंगी। लेकिन जो सबसे अच्छी खबर निकल कर आई है वो ये है कि दिन हो या फिर रात, मैच के दौरान किसी भी समय बारिश की संभावना 0% है। तो इस सेकेंड सेमीफाइनल मुकाबले में आपको बारिश बिल्कुल भी खलल डालते हुए नजर नहीं आएगी, और होपफुली आपको ये सेकेंड सेमीफाइनल मैच बिना किसी इंटरप्शन के पूरा देखने को मिलेगा। और अब दोस्तों, बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप 2023 के सेकंड सेमीफाइनल मैच के लिए ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट ODI मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो वर्ल्ड कप 2023 के जो 4 मैचेस इस मैदान पर हुए हैं, उनमें से 3 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 1 मैच सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 274 रन्स का है, तो वहीं एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 168 रन्स का रहा है। तो आप इन वर्ल्ड कप 2023 में खेले गए 4 मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में ईडन गार्डन्स की पिच पर जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करी है, उस टीम को ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसी वजह से फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादातर मैचेस जीते हैं। ईडन गार्डन्स पर ब्लैक सॉइल की पिच यूज होती है, और ये पिच काफी ज्यादा ड्राई और स्लो रहती है, जिस वजह से ईडन गार्डन्स की पिच पर हाल फिलहाल में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर रुक कर आती है, जिस वजह से बल्लेबाजों को अपने शॉट्स को टाइम करने में काफी दिक्कतें होती हैं। हालांकि पहली पारी में ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत बेहतर रहती है, फर्स्ट इनिंग्स में गेंद बल्ले पर काफी अच्छी तरीके से आती है, तो पहली पारी में बल्लेबाज इंजॉय करते हैं इस पिच पर बल्लेबाजी करना। यही कारण है कि वर्ल्ड कप 2023 के जो पिछले 2 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, उन दोनों मुकाबलों में आपको फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 325 के ऊपर देखने को मिले थे, जो कि आसानी के साथ डिफेंड भी हो गए थे। तो आप इन आंकड़ों से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में ईडन गार्डन्स की पिच ने पहली पारी में बल्लेबाजों को ज्यादा सपोर्ट किया है, फर्स्ट इनिंग्स में इस पिच से गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलती है। लेकिन मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो ये पिच और भी ज्यादा ड्राई और स्लो हो जाती है, जिस वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना इस पिच पर मुश्किल साबित होता है, और सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजों को इस पिच से ज्यादा मदद मिलती है। अंडर लाइट्स तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा स्विंग भी मिलता है, जबकि उनको पिच से सीम मूवमेंट भी मिलता है। इसके अलावा स्पिनर्स को भी पिच की स्लोनेस की वजह से दूसरी पारी में ज्यादा ग्रिप और टर्न मिलता है, और इसी वजह से स्पिनर्स आपको दूसरी पारी में ज्यादा विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं।
तो ओवरऑल ईडन गार्डन्स की पिच पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना मुश्किल साबित होता है और पहली पारी में ये पिच बल्लेबाजों को ही सपोर्ट करती है। इस मैच के लिए भी यही रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं कि एक बार फिर से जो टीम फर्स्ट इनिंग्स में बल्लेबाजी करेगी उसके लिए बल्लेबाजी करना आसान साबित होगा, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल हो जाएगी और गेंदबाजों का ही दबदबा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो भी कप्तान इस सेकंड सेमीफाइनल मैच में टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा, और अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम इस पिच पर 325 के आसपास या फिर 325 के ऊपर का स्कोर बना देगी तो उस स्कोर को चेस करना इस स्लो पिच पर काफी ज्यादा मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 250 या 260 के आसपास बनता है तो वो स्कोर यहां पर चेस भी हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए लास्ट 5 ओडीआई मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो इंग्लैंड का है पाकिस्तान के खिलाफ 337 रन 9 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल साउथ अफ्रीका का है इंडिया के खिलाफ 83 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो इंडिया ने किया है श्रीलंका के खिलाफ 219 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो नेदरलैंड्स ने किया है बांग्लादेश के खिलाफ 229 ऑल आउट। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि सेकंड सेमीफाइनल मैच में ईडन गार्डन्स की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो वर्ल्ड कप 2023 के जो 4 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 40 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं जबकि 24 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 27 विकेट्स लिए हैं जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 13 विकेट्स मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 11 विकेट लिए हैं, इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 3 विकेट मिले हैं, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 10 विकेट्स लिए हैं। तो आप इन लास्ट 4 ओडीआई मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में ईडन गार्डन्स की पिच से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही है, इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में इतने ज्यादा विकेट्स चटकाए हैं। खास तौर पर जो शुरुआती 10 से 15 ओवर्स होते हैं दूसरी पारी के उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से ज्यादा मदद मिलती है क्योंकि अंडर लाइट्स तेज गेंदबाजों की गेंद हवा में काफी ज्यादा स्विंग भी करती है जबकि उनको पिच से अच्छा सीम मूवमेंट भी मिलता है, इसी वजह से वो आपको दूसरी पारी के शुरुआती 10 से 15 ओवर्स में 3 या 4 विकेट्स भी चटकाते हुए नजर आते हैं। हालांकि इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो ये पिच काफी ज्यादा स्लो हो जाती है जिस वजह से इस पिच पर वो तेज गेंदबाज भी इफेक्टिव साबित होते हैं जो अपनी गति में मिश्रण करते हैं, वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि स्लो डिलीवरीज और ऑफ कटर्स फेंकते हैं। तो इस मैच में भी जो तेज गेंदबाज अपनी गति में मिश्रण करेगा और वेरिएशंस का इस्तेमाल करेगा ऐसे फास्ट बॉलर्स आपको मिडिल ओवर्स में काफी विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं जबकि पिच की स्लोनेस की वजह से ईडन गार्डन्स पर स्पिनर्स भी काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। पहली पारी हो या फिर दूसरी पारी हो दोनों पारियों के मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को काफी ग्रिप और टर्न मिल रहा है जिस वजह से हाल फिलहाल में स्पिनर्स ने भी काफी ज्यादा विकेट चटकाए हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास राइट आर्म लेग स्पिनर एडम जैम्पा होंगे जो कि इस वर्ल्ड कप 2023 के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर केशव महाराज होंगे जो कि आईसीसी ओडीआई बॉलर्स रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। तो दोनों टीमों के पास क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं जो कि इस पिच पर मिडिल ओवर्स में काफी ज्यादा विकेट चटका सकते हैं, पर अभी भी मेरा ओवरऑल यही मानना है कि इस पिच पर जो टीम सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजी करेगी उस टीम के फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीम ही आपको ज्यादातर विकेट चटकाते हुए नजर आएगी। तो ऐसे में मेरा आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा लेने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 2 स्पिनर्स में आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ जा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये रहा वर्ल्ड कप 2023 के सेकंड सेमीफाइनल मैच के लिए ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि पूरा पिच रिपोर्ट का एनालिसिस देखने के बाद आपके हिसाब से कौन सी टीम सेकंड सेमीफाइनल मैच जीतेगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।